शिवाय, शिवजी सदा सदा ओम नमः गुरुजी जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी। माइक पकड़ते सब कुछ ब्लैंक हो जाता है गोना शेयर में सत्संग गुरु जी से जुड़े हुए अब तकरीबन चार साल हो गए हमारी बड़ी अच्छी आंटी है वीनू आंटी उन्होंने मेरी आंटी को जोड़ा था फिर मेरी आंटी के थ्रू मैं गया वी स्टार्टड गोइंग टू ओक ट्री मंदिर उस टाइम थोड़ी लाइफ चल रही थी ऊपर नीचे बट uh, वही है ना जब तक गुरु जी का बुलावा नहीं आता तब तक आप नहीं गुरु जी के पास जा सकते स्टार्टड गोइंग देयर शब्द सुने बड़ा अच्छा लगा कनेक्शन हो गया गुरु जी से ऐसा कनेक्शन हुआ कि मैं आपको अपना बता दूं कि आई वाज अ वेरी नेगेटिव पर्सन कोई लाइफ में कुछ अच्छा होना होता था ना मेरी आंटी कुछ कहती थी मैं उसके पहले नेगेटिव चीज़ें ढूंढ लेता था कि इसमें बुरा क्या हो सकता है तो वो थॉट ऐसी थी आए घर पे रहता था अकेला बैठता था कई बार अकेले बैठ के रोता रहता था लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े उसके बाद एक साल दो साल सत्संग शुरू किया फिर यहाँ इस मंदिर से जुड़े इस मंदिर में भी आते थे सत्संग सुनते थे चले जाते थे लेकिन फिर उसके बाद सेवा का मौका मिला और आज जो यहाँ संगत पहली बार आई है मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं इट्स नॉट कि आपके फ्रेंड ने बोला या आपके रिलेटिव ने बोला दिस इज़ गुरु जी का इन्विटेशन नो बडी कैन बी हेयर विदाउट गुरु जी से इन्विटेशन और अब आप देखेंगे आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है मेरा मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ अब नेगेटिव कोई मेरे से बात भी करता मैं उठ के चला जाता हूँ उधर से हर चीज़ पॉजिटिव है हर चीज़ लाइफ में पॉजिटिव है सब कुछ अच्छा हो रहा है और जब से सेवा का मौका मिला है और ज़्यादा मतलब जस्ट पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दूसरी चीज़ हमारा एक अभी पीछे सत्संग था लास्ट ईयर दो साल से हम घर देख रहे थे तो घर नहीं मिल रहा था ऑलमोस्ट पंद्रह घर पे बिट गया हमेशा आउटबिट हो जाते थे मार्केट भी ऊपर थी फिर लास्ट ईयर ऐसे हुआ घर मिला जस्ट टू बी शॉर्ट ऑफर एक्सेप्ट हो गई सुबह फ़ोन आया कि आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई विबिन हाई तीन बजे फिर से फ़ोन आया नो दे टुक समल्स इज़ ऑफर वो जो हस्बैंड वाइफ है दे गोइंग थ्रू डिवोर्स तो वाइफ ने आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली बस हस्बैंड का शेयर ज़्यादा है तो ही इसका ना कैंसिल और उसी दिन हम मंदिर आए तो मेरी आंटी यहाँ थी तो मैं अंकल ने आंटी को बोला क्या हो गया आप बर्दवास लग रहे हो कह रही है, ऐसे ऐसे हुआ बोलो कह रहे हैं आप सत्संग करोगे उन्होंने कहा कहाँ करेंगे तो कह रहे हैं बोलो घर मिल गया मैं कहा अंकल कभी रिजेक्ट हुआ कह रहे हैं कुछ नहीं होता बोलो मिल गया घर सत्संग में आंटी ने बोला अबाउट तीन हफ़्ते बीत गए कुछ नहीं हुआ तीन हफ़्ते बाद ब्रोकर का फिर से कॉल आया कह रहे है, वो जिनका हुआ था ना उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ सो दे नो टेक योर ऑफर नाउ और उस स्ट्रीट पे हम पहले दो घरों पे डाल चुके थे बेड वी आउट बेड और आंटी को वही स्ट्रीट पसंद थी और वहाँ पे और जो सबसे अच्छा घर मैं कहूँ गुरुजी का घर वो हमें मिला तो ये बिना गुरुजी की ब्लेसिंग के नहीं हो सकता फिर मॉर्गेज में प्रॉब्लम्स आई उस टाइम रेट ऊपर जा रहे थे एकदम से जब हमारी ऑफर एक्सेप्ट हुई रेट शूट मैं कहा मैं तो ये नहीं कर सकता उसमें भी एक गुरुजी ने भेजा मेरा बारह साल पुराना एक क्लाइंट था ही कॉल मी ही वॉज अ मॉर्गेज कंसल्टेंट उसको आई मीन सेल्स मैं गाड़ियों की सेल्स तो उसको कोई गाड़ी कह रहा है आप अभी भी कार सेल में कहा हाँ मैं कहा तू आर यू डूइंग मॉर्गेज कह रहा हाँ मैं कहा मेरे को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है मेरा लोन नहीं हो रहा कुछ एकदम से मैं कहा रेट ऊपर चला गया आई कैन पे दिस कह रहा है डोंट वरी तो वो गुरुजी ने बंदा भेजा बारह साल बाद उसने कहीं से मेरे को कॉल किया उसने दो वीक में मेरा सब कुछ कराया वी क्लोज इन पंद्रह दिन पंद्रह दिन में हमने क्लोज़ कर दिया तो इट्स ऑल गुरु आप एक बार कनेक्ट हुएंगे यू विल नो गुरु की बहुत मेहर है अभी आ, सेवा करते हैं यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो मिली है ना यहाँ पे वो मिली है संगत एंड गुरु परिवार गुरु परिवार इज़ अमेजिंग यहाँ पे सारा सारी संगत इज़ अमेजिंग अब वेट होती है कि संडे को बारह बजते हैं घर से भागता हूँ कि चलो सेवा करनी है थर्सडे को भागते हैं पहले होता था चलो भी संडे कहीं चले जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे अब संडे एंड थर्सडेज गुरु के नाम तो यहाँ पर आते हैं बड़ा सुकून बड़ी शांति इट्स लाइक लाइफ चेंजिंग बाकी थैंक यू आंटी जय गुरु जी कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना सॉरी जय गुरु सा शिवा गुरुजी सदा सा